कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी हाथ की मेहंदी। तो आज मैं हाथ की मेहंदी से रिलेटेड एक वीडियो लेके आई हूँ यार। बड़ी मुश्किल से और बड़ी हिम्मत करके लगाई थी मैंने। और ये देखो यार नेक्स्ट डे का ये कुछ भी कलर नहीं आया मेरे मेहंदी में। मैं इतना अपसेट हो गई थी कि रात को मैंने टाइम निकाल के और इतने मन से लगाया, इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया, लेकिन बिल्कुल भी कलर नहीं आया। ये देखो कितनी फीकी फीकी कैसी थी। कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि ना कलर ना आए, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई। ये देखो कावेरी मेहंदी है ना ये वाली, हमेशा अच्छी लगती थी, पता नहीं क्या हो गया इस बार इसका कलर ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इतना भी ज़्यादा नहीं है कि अभी दोबारा नहीं लगा सकती, तो मैंने एक और नई केप मंगवा ली, तो वो भी कावेरी वाली आ गई यार। लेकिन मैंने इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए थोड़ी सी मैंने अपनी फिंगर पे है ना लगा के देखी थी कि ये भी तो ऐसी नहीं है कहीं चेक मतलब ख़राब हो। तो मैंने थोड़ा सा चेक किया अपने फिंगर पे लगा के, तो मुझे ना उसका 2 मिनट में ठीक ठाक असर आया था दूसरी वाली मेहंदी। ये वाली ऐसी रखी रह गई, थोड़ी सी यूज़ करी थी तो फिंगर पे लगा के मैंने थोड़ा सा चेक किया तो उसका कलर अच्छा आ गया। तो मैं लगाने ही जा रही थी कि सोचा कि चलो यार आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरे साथ हुआ, क्या पता आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि आप मेहंदी लगाने के लिए बैठो, अच्छा डिज़ाइन बनाओ, लेकिन यार ये देखो कि मेहंदी का कलर ही ना आए। देखो मैंने लगाया था ना, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने थोड़ी सी ये सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगाई थी मैंने, तो चेक करने के लिए मैंने रखी थी इस वाली केप से। तो ये पहले की थी, तो मैंने टिश्यू पेपर रखा, मैंने कहा चलो यार आज है ना, मैंने मुझे अलग लगा दोनों केप में मेहंदी में, तो क्या लगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी लगाने के लिए बैठी हूँ तो मैंने ये तेल भी निकाल के रख लिया अच्छे और अच्छे रिजल्ट के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि है ना दोनों में क्या फ़र्क है मेहंदी की केप में। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेहंदी की। तो ये मैंने ली है जो जिसका बिल्कुल भी कलर नहीं आया था ना मेहंदी का, वो ये मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है तो उसके ऊपर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखो, तो मैंने ये आउटलाइन किए पहले वाले की जिससे बिल्कुल भी कलर नहीं आया था मेरी मेहंदी में। ये देखो मैं लगा रही थी ना तब भी ऐसा हो रहा था, कितना ऑयल इसके अंदर जो ऑयल था ना वो ऑयल निकल रहा था और कितने, अभी आप ही देखना मैं दूसरे वाले भी निकाल के मेहंदी दिखाती हूँ मैं आपको कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो मुझे तो लगा जब मैंने लगाया था, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि यार मेहंदी लगाते बड़े टाइम निकाल के बड़ी मेहनत से लगाते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए। और ये देखो यार ये मैंने दूसरी केप जो न्यू मंगाई थी, तो ये उसकी मेहंदी है उसके अंदर की, और देखो यार दोनों में कितना फ़र्क है। उसमें ऑयल भी निकल रहा था और ब्लैक कलर भी है, देखो मेहंदी का कितना डार्क कलर हो चुका है। तो मुझे तो लगा कि यार ये एक्सपायरी हो चुकी है और इस वजह से ना इसका कलर अच्छा नहीं आया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेहंदी को इस कोन को, इसलिए ना इसका कलर ऐसा नहीं है। और दूसरी वाली देखो यार अभी भी ग्रीन है और कुछ भी ऑयल है ना इसका इसने बाहर नहीं निकाला, जो ऑयल मतलब कि कोन के अंदर मेहंदी का घोल बनाए थे उसके अंदर ऑयल डाला था। तो ये देखो ये वाला ना कितना अच्छा है सिर्फ थोड़ी देर लगाने के बाद, और ये वाला देखो यार बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा इस वाली मेहंदी से। तो मैं तो जा रही हूँ यार इस वाली मेहंदी से अब डिज़ाइन बनाने के लिए, और देखती हूँ कैसा डिज़ाइन बनता है यार, बड़ी फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन मन है यार मेहंदी लगाने का। तो ये देखो यार ये मैंने दोबारा से लगा ली है मेहंदी, मैंने सोचा यार दोबारा बना रहे हैं तो थोड़ा सा अलग सब कुछ बनाती हूँ, पता नहीं बनाते बनाते ये डिज़ाइन बन गया। और ये बना तो लिया यार बड़ी, ये भी बड़ी मेहनत से बना हिम्मत से, तो डर लग रहा है मुझे सूख जाने तो, उसके बाद देखते हैं यार कैसा कलर आता है इसका, ये देखते हैं ये क्या रंग लाती है। अरे ये देखो यार कितनी प्यारा और कितना बढ़िया रंग आया इस वाली मेहंदी का। तो देखो यार आज तो मैंने आपके साथ अपनी एक बात शेयर कर दी कि अगर आप मेहंदी लगाने जा रहे हैं तो आपकी मेहनत ख़राब ना हो, उसके लिए आपको पहले मेहंदी को चेक कर लेना चाहिए हमेशा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो का मोटिव कि यार मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने 2-2 बार लगाना पड़ा मुझे, ऐसे आपको ना करना पड़े। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।